आज मैं आप लोगों को जो खट्टा साग होता है ना, साग आप लोग बहुत टाइप्स के खाए होंगे, लेकिन ये जो साग है बहुत खट्टा होता है, तो इसको मैं आज आपको एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी। देखिए इसमें मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, ठीक है। मैंने इसमें लिया है 4 मिर्च, इसमें मैंने लिया है 4 लहसुन, लहसुन की कली, ये कड़ी पत्ता लिया है मैंने, ये सरसों लिया है तड़के के लिए लिया है, ये चना दाल है इसे मैंने भिगो लिया है, इसको ओवरनाइट मैंने भिगो के रखा है, ठीक है। और ये है ऑनियन, मैंने इसमें 2 ऑनियन लिया है, 1 टमाटर लिया है क्योंकि ये खट्टा होता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए मैं आपको तेल डाल के दिखाती हूँ। मैं इसमें तेल डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। और इसको मैंने फुल पे हमने इसे गर्म करना है, ठीक है। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये जो सरसों मैंने लिया था, सॉरी ये निकल नहीं रहा है, इससे गलती हो गई है। ये जो मैंने लिया था ये सरसों, इस सरसों को हम लोग तड़के के लिए लगाएंगे। ये हो गया हमारा तेल, देखिए तेल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसे डाल दूंगी, ठीक है, ठीक है। अब इसे गरम कर दिया मैंने, अब इसमें डालूंगी मैं मिर्च, ठीक है, मिर्च। अब इसमें साथ ही साथ मैं डालूंगी ऑनियन, ताकि ये साथ साथ भुन जाए। उसके बाद मैं इसी में ये जो लहसुन की कली थी, इसे मैं ये जो लहसुन की कली ये भी डालूंगी। अब इसे मैं हल्का हल्का सा इसे ये भून रहा है। अब ये जो चना दाल मैंने लिया था इसको मैंने भिगो के रखा था, इसे धो भी लिया है मैंने। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये जो ऑनियन है हमारा ये ब्राउन हो रहा है, ये जब तक ब्राउन हो रहा है तब तक मैंने मिर्च तो इसमें डाला ही है। मैं आपको मसाले बता देती हूँ। मैं इसमें लूँगी आधा चम्मच लूँगी मैं इसमें हल्दी, आधा चम्मच लूँगी मैं इसमें मिर्च तो मैंने डाला है इसीलिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच लूँगी। इसमें मैं लूंगी आधा चम्मच नमक, इसमें मैं आधा चम्मच नमक लूंगी, ठीक है। इसमें मैं लूंगी आधा चम्मच मैं धनिया पाउडर लूंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसमें आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये हमारा मसाला तैयार है। थोड़ा सा मैं लूंगी, बहुत थोड़ा सा लूंगी मैं मिक्स मसाला जो होता है, गरम मसाला हमारे पास, बहुत थोड़ा सा लूंगी मैं गरम मसाला, ठीक है। अब मैं इसे देखिए, मेरा प्याज जो है, जो मेरा ऑनियन है ये ब्राउन हो रहा है, देखिए काफ़ी इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, देखिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी वो जो कड़ी पत्ता मैंने रखा था, वो कड़ी पत्ता डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। आप इसमें चाहें तो सुखा के कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, या अगर आपके घर ताज़ा पेड़ लगा हो तो आप ताज़ा भी डाल सकते हैं। तो मेरे घर तो पेड़ है नहीं, तो मैंने खरीद के लिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, ठीक है। टमाटर हमारा देखिए भून रहा है। इसके बाद मैं डालूंगी ये जो मसाले मैंने लिए थे, ये मसाले डालूंगी इसमें। ये मेरा मसाला भुन रहा है। मसाले को मैं हल्के लो फ्लेम पे इसे भूनूंगी मैं। इसमें बहुत बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी।
अभी हमारा भून रहा है, बहुत आराम आराम से भूनेगा। जैसे ये मसाला भूनते भूनते तेल छोड़ देगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी। ये जो मैंने लिया था साग, इसे मैंने काट के बहुत अच्छे से बारीक से काटा है मैंने, ये कटता नहीं है, थोड़ी सी इसमें ये क्योंकि खट्टा होता है तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसका पानी मैं निकाल लूँगी, निचोड़ लूँगी, ठीक है। ये हमारा जो ऑनियन भून रहा है, मसाले जो मेरे तैयार हो रहे हैं, ये देखिए ये तेल छोड़ दिया, इसका मतलब कि हमारा मसाला भुन गया है। अब थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, ये टमाटर जो है तो ये जो मैश, अब मैं इसे मैश कर देती हूँ, मिक्स हो जाएगा ये। थोड़ा सा तेज कर लेती हूँ गैस। ये मेरी माँ खाया करती थी, ये मेरी माँ का फेवरेट था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपने जब घर में ट्राई किया, इसे बनाया, तो आपको कैसा लगा, ये कमेंट ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। देखिए ये हमारा हो गया। अब मैं इसमें वो जो साग था, मैं इसमें साग डाल दूँगी, ठीक है। और वो जो मैंने दाल लिया था, भिगो के रखा है ओवरनाइट, वो दाल भी डाल दूँगी। ठीक है, तो बड़े अच्छे से इसे मैश कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं छोटे ग्लास से एक ग्लास पानी डालूंगी ताकि ये अच्छे से उबल जाए। जो हमारा साग है और जो दाल है हमारा, ये बहुत अच्छे से उबल जाए। देखिए मैं आप लोगों को पानी दिखा देती हूँ। ज़्यादा भी पानी मत डालिएगा, टाइम लगेगा। ये सब्जी आपकी 10 मिनट में रेडी हो जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखिए इस ग्लास से मैंने पानी डाला है, देखिए इस ग्लास से ही हो जाएगा इस पानी में। इसे मैंने लो फ्लेम पे रखा है। अब मैं इसे ढक दूंगी, ठीक है। अभी हमारा ढक के आराम से बनता रहेगा। इसको 10 मिनट तक मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी।